लगातार हुई बारिश से सूरत के कई इलाकों में बिगड़े हालात, सड़कों पर सैलाब जैसा नजारा दिखा। सड़कों और गलियों में जलभराव की वजह से लोगों की बड़ी परेशानी, ट्रैफिक भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। सूरत में हालात को देखते हुए स्थानीय पुलिस ने संभाला मोर्चा, कई इलाकों में लोगों को राहत पहुंचाने के काम में जुटी टीम। वलसाड में पिछले 48 घंटों से बारिश का दौर जारी, भारी बारिश के चलते जिले के सभी स्कूल और कॉलेज को बंद करने का आदेश, जगह जगह पर रेस्क्यू टीम में भी की गई तैनात। पोरबंदर में बारिश के चलते कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति, जेसीबी मशीन के जरिए रास्तों को किया गया साफ, मौके पर प्रशासन के आलाधिकारी रहे मौजूद। कई इलाकों में जलभराव की वजह से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित, नदियां उफान पर हैं, 25 जुलाई तक बारिश जारी रहने का अनुमान। राजकोट में भारी बारिश से किसानों को नुकसान, खेतों में जमा हुआ पानी, फसलें हो रही बर्बाद। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया हवाई सर्वे, भारी बारिश के चलते द्वारका में बाढ़ की स्थिति का लिया जायजा। बाढ़ बारिश को लेकर सीएम भूपेंद्र पटेल ने द्वारका में की रिव्यू मीटिंग, अधिकारियों को तेजी से काम करने के निर्देश दिए। भारी बारिश से सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में बाढ़ जैसे हालात, मौसम विभाग ने 14 जिलों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। नोएडा में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, चिलचिलाती गर्मी से लोगों को मिली राहत। नोएडा में बारिश के चलते सड़कों पर पानी भरा, सेक्टर 63 में पानी भरने से लोगों को परेशानी। असम के धुबरी जिले के ग्रामीण इलाकों में बाढ़ से बेघर हुए लोग, ब्रह्मपुत्र का जलस्तर लगातार बढ़ने से हालात बिगड़े, सरकारी मदद न मिलने से मुश्किलें और बढ़ी। महाराष्ट्र के रोहा में बारिश के बाद कुंडालिका नदी का जलस्तर बढ़ा, नदी किनारे स्थित धार्मिक स्थल हुआ जलमग्न। सुबह तड़के कर्नाटक के भी कई हिस्सों में भारी बारिश, हुबली में छिटपुट बारिश की तस्वीरें आई सामने। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में सबसे ज्यादा 98 मिलीमीटर हुई बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। हरिद्वार में एसडीआरएफ ने दो कांवड़ियों को डूबने से बचाया, अलग अलग घाटों से दो कांवड़ियों का किया गया रेस्क्यू। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बल के जवान बने देवदूत, भीषण बाढ़ में बचाई महिला और उसके नवजात शिशु की जान। उत्तर कन्नड़ में बारिश के चलते भूस्खलन, NH-66 पर आया मलबा, रेस्क्यू में जुटे भारतीय सेना के जवान। श्रीनगर में कारगिल रोड के पास लैंडस्लाइड, सड़क से मलबा हटाने में जुटी बीआरओ की टीम।